इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है। आज फिर 200 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो 200 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ऐलान तो काफ़ी हो रहे हैं, पर ज़मीनी सच्चाई यही है कि मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। डॉक्टर्स, पुलिस वालों का भी कोरोना मुतासिर होना परेशानी में इजाफे का सबब बन रहा है। बेलगाम जिला के तकरीबन 30 पुलिस वाले कोरोना मुतासिर पाए गए। मरीजों की तादाद बेलगाम, बैलोंगल, गोका, खुक्केरी, चिक्कोड़ी, रामदुर्ग, सौंदत्ती से पाए गए। हर जगह पर अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। पिछले सिर्फ 2 दिनों में 600 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। सेहत महकमा भी बढ़ते मरीजों के मद्देनजर काफी परेशान है। किस तरह काबू पाया जाए, यह सवाल महकमा के सामने खड़ा हुआ। बढ़ते मरीजों की तादाद और डॉक्टर्स, नर्सेस और सेहत आमिला की कम तादाद के जरिए इलाज को किस तरह अंजाम दिया जाए, यह भी एक चुनौती बनी हुई है। मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए या मरने वालों को एम्बुलेंस का इंतजाम करना भी दुश्वार होता जा रहा है। अभी तक कोरोना की वैक्सीन भारत पहुंची नहीं है, जैसे कि कहा जा रहा है कि और कुछ महीने भारत आने में लग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तो 3 वैक्सीन जल्द आने की बात तो बतौर बयानबाजी आवाम को बताया, पर जहां 1 दिन गुजरना मुश्किल है, वहां और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से भी पूछा जा रहा। आखिर क्या होगा अगर इसी तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो? और इस सवाल का जवाब आज भी देना मुश्किल। फिर कन्नड़ मराठी इख्तलाफात के आसार। यौम आज़ादी के दिन कुछ नौजवानों ने संगोली रायन्ना का पुतला पिरनवाड़ी चौरस्ते पर बिठाकर उस चौक को संगोली रायन्ना का नाम देने की मांग की। यह मांग तो वैसे अरसे से कन्नड़ तंजीमों की जानिब से की जा रही है, पर 15 अगस्त को संगोली रायन्ना के पुतले को बिठाने के बाद इस पुतले को इंतजामिया की जानिब से हटाया गया, जिससे कन्नड़ तंजीमों ने ऐतराज किया। वजह रहे कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की मांग की गई थी। इससे पहले भी एक तनाजा मनगुत्ती गांव में शिवाजी पुतले को लेकर तशद्दुद का माहौल बरपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक महाराष्ट्र तनाजा फिर बढ़ जाएगा, पर मकामी हुकूमत, MLA, इंतजामिया के दखल से मामले को निपटाया गया। अभी मनगुत्ती का मामला ठंडा हुआ भी नहीं था तो पिरनवाड़ी में संगोली रायन्ना के पुतले को लेकर नया मसला खड़ा हुआ है। पीरवाड़ी के चौरस्ते पर पहले से शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया हुआ है, लिहाजा कन्नड़ तंजीमों का कहना यह है कि यहाँ पर संगोली रायन्ना का पुतला बिठाकर इसे संगोली रायन्ना चौक कहा जाए, जबकि वो शिवाजी चौक पहले से कहा जाता है। और यह भी मांग काफी पुरानी है कि इसे यहाँ पर संगोली रायन्ना का पुतला बिठा दिया जाए। फिर एक बार बड़ी तादाद में आज एहतजाज किया गया। संगोली रायन्ना के चाहने वालों ने बेलगाम DC के सामने संगोली रायन्ना के पुतले को हटाने की मजम्मत करते हुए दोबारा उसी जगह पर पुतले को बिठाने की मांग की है। संगोली रायन्ना अभिमानी की जानिब से अगर पुतला नहीं बिठाया गया तो पूरी रियासत में एहतजाज का इशारा दिया गया। कांग्रेस कायद और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया और DK शिवकुमार ने संगोली रायन्ना के पुतले को हटाना गलत कहते हुए भाजपा हुकूमत पर निशाना साधा, लिहाजा अब यह मामला सियासी मौजू बनने के भी आसार दिखाई देते नजर आ रहे। कोरोना के कहर के साथ तेज बारिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमा और हफ्ते के रोज मुस्तकिल बारिश रही, जिससे हर जगह पर पानी दिखाई दे रहा था। निचले इलाकों में पानी पहले ही दाखिल हो चुका है। आज भी कई जगहों पर घरों के गिरने की तरह हासिल हुई, तो CBT के सामने होटल दुर्गा की भी दीवार धुआंधार बारिश की वजह से गिर गई। चौगलेवाड़ी की आवाम को बढ़ते बारिश के मद्देनजर पनागाह में मुंतकिल किया गया। बेलगाम पंजी सड़क पर भी पानी आने से सवारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पीर के रोज दोपहर तक बारिश नहीं थी, पर दोपहर के बाद फिर बारिश जारी हुई। नदी नाले लबालब भरे हुए हैं, तो सड़कों ने
तालाब की शक्ल इख्तियार की हुई है। बेलगाम शहर में घर की दीवार गिरने से 12 अफराद जान बहक होने से बाल बाल बच गए। यह वाकया गोंदड़ गली में पेश आया। खानापुर में धुआंधार बारिश के मद्देनजर रेड जोन करार दिया गया। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।